Hello, I'm Arvesh Dev. Welcome to my channel. Please subscribe my channel, comment and share the video. Hello, dear student. Welcome to my channel. I'm Arvesh Dev. Conjunction को देखेंगे. Conjunctions क्या हैं? ठीक. तो कंजक्शंस ऐसे वर्ड होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को और फ्रेजेस को और क्लासेस को इकट्ठा जोड़ते हैं, उसको हम कंजक्शन कह सकते हैं। एक और डेफिनेशन इसकी मैंने तैयार की है जो सिंपल है, शायद आपको समझ आ जाए कि कंजक्शन इस्तेमाल होता है फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लासेस को ज्वाइन करने में, सेंटेंस को बनाने में या कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक, कंजक्शन जो है वो एक लिंक बनाता है वर्ड के बीच में या ग्रुप ऑफ वर्ड के बीच में या जो दूसरे पार्ट सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस के दूसरे पार्ट उनके बीच में, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप पैदा करता है उसी को हम कंजक्शन बोलते हैं। एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे है अलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टूगेदर। अलेक्स और रॉबिन इकट्ठा खेलते हैं, तो यहाँ पे एंड हमारा जो है कंजक्शन है। इसी तरह से अलेक्स प्लेज वेल बट रॉबिन प्लेज बेटर देन हिम, तो यहाँ पे बट जो है हमारा कंजक्शन है। इसी तरह से आई प्ले क्रिकेट एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है। यहाँ पे when conjunction है, when he was sick, I went to see him, तो यहाँ पे conjunction when है। हमारे पास conjunction जो है मुख्तलिफ किस्म के conjunctions होते हैं, right? जैसे यहाँ पे coordinating conjunction है, तो उसके बाद हमारा जो है इसकी examples। अब coordinating conjunction कैसे हैं, उनमें क्या क्या हैं, जैसे आपको ये याद रखना है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन से आते हैं, जैसे एंड, उसके बाद बट, उसके बाद आपका जो है फॉर, नॉर, आर, सो, येट, ये जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। इनको आपने थोड़ा सा जहन-नशीन करना है, एंड, बट, फॉर, नॉर, आर, सो, येट, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, राइट? सो यहां पे आप देखेंगे एग्जांपल्स। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, द जॉब ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज टू जॉइन टू वर्ड्स फ्रेजेस, तो इसी तरह से ये भी जॉइन करते हैं टू वर्ड टू फ्रेजेस को और टू सेंटेंसेस को। क्लास का यहाँ पे मतलब होता है सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी छोटे छोटे दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है ये, राइट? जैसे यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, क्लासेस मीन्स सेंटेंसेस। अगर देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं जिनको एंड से हमने जोड़ा है, वी वेंट टू स्टेडियम, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंजॉयड द क्रिकेट मैच, तो ये भी एंजॉयड द क्रिकेट मैच, ये भी जो है इंडिपेंडेंट है, राइट? सो इनको हम आपस में जोड़ेंगे दोनों सेंटेंसेस को एंड के साथ, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। तो ये एंड कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी इसको बोल सकते हैं। डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट, क्या आपको आइसक्रीम और चॉकलेट चाहिए, तो यहाँ पे हमने जो है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो है आर, ओ आर, आर। इसी तरह से गो अवे एंड नेवर कम बैक, तो यहाँ पे एंड है। इसी तरह से दूसरी किस्म इसकी जो है वो है कोरिलेट। मुझे ये थोड़ा सा आप के लिए मुझे ये थोड़ा सा करना चाहिए था इसको थोड़ा सा मोटा, तो ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। इसी तरह से आपका कोरिलेट कंजक्शन जो है इसको भी हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, राइट? तो हमारा जो दूसरा कंजक्शन है वो है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे आप इसके एग्जांपल्स तो पढ़ सकते हैं, ये भी वही करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जो है वो क्या करता है, रिलेट करता है, ज्वाइन करता है। तो इसमें जैसे हमारे पास जो है वो है नॉट ओनली, राइट? उसके बाद
बट ऑल्सो, राइट, ईदर और नीदर, नार बट एंड नॉट, बट वेदर आर. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम Alex nor Robin can play basketball. तो यहाँ पे neither Alex. तो यहाँ पे neither है. इस तरह से I want both ice cream and. तो यहाँ पे both और ice cream, sorry, and जो है वो है, right? I want both ice cream and chocolate. Art चॉकलेट ही लिख लो या आप चिप्स लिख लो, राइट. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी, यहाँ पे जो आपका बोथ और एंड जो है आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है, राइट. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है हमारे पास ही एट नॉट ओनली. तो यहाँ पे नॉट ओनली आपका कंजक्शन है, राइट, बट आल्सो एंड नॉट ओनली यहाँ पे कंजक्शन है. क्या कहता है, ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट आल्सो द चॉकलेट, राइट. तो ये लास्ट वाला जो है हमारे पास सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबॉर्डिनेट कंजक्शन. तो इसमें आपने ध्यान देना कि इसमें कौन कौन से हैं, जैसे after, how, then, when, although, if, that, where, as, in, are, that, though, which, as, in as much as, unless, while, because, provided, until, who, whom, before, since, what, whoever, whomever, or when का भी इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है. तो example, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड हैड माय ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे बिफोर, प्रोवाइडेड दे कम, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दे कम वी कैन स्टार्ट क्लास ट्यूजडे. तो यहाँ पे व्हेन, व्हेन ही वाज वॉशिंग माय कार आई वेंट टू द स्टोर. तो यहाँ पे व्हेन, और फिर इवन दो द वेदर वाज हॉरिबल दे स्टिल वेंट आउटसाइड. So thank you very much for being the part of this video. Please share it to your friends, right?